हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम लोग एक मिनी हेयर ड्रायर और एक हीट कन्वर्टर बना रहे हैं, जिसको हम लोग दो प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। हेयर ड्रायर पे भी यूज कर सकते हैं और हाथ वगैरह सेकने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मैंने 1 इंची की टी ली है, एक मोटर ली है, दो मैंने 10-10 वाट की वो ली है, कॉयल ली है, जो कि सोल्डिंग आयरन की। तो दोस्तों, अब हम लोग एक कॉपर की वायर लेते हैं, जो कि मोटी वायर है, और हम लोग कॉयल को इस प्रकार से थोड़ा बीच में गैप गैप देके इस प्रकार से लपेट देते हैं, ताकि ये कॉयलों के बीच में गैप बना रहे, ताकि इनके बीच से हवा का प्रेशर जब जाए तो वो ऑटोमेटिक गर्म हवा में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग इसको इस प्रकार से वायर से लगा कर इस टी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों, इसमें ध्यान देना कि ये कॉयल हमारी टी के किसी भी साइड को टच ना करे, मतलब ये वायर जो लगी कॉपर की ये टच करे साइड से, इसीलिए मैंने इसको बांध के रखा है। तो दोस्तों, मैंने इसको टी पे लगा दिया है बीचों बीच, आप लोग देख सकते हैं। अब ये मैं मोटर ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने जब मोटर देखा तो इसका मोटर का डाया बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा इसके लिए कोई पतली मोटर यूज की जाए। तो दोस्तों, मैंने ये पतली मोटर जब लेके आया तो इसका डाया सही था, क्योंकि वो डाया ज़्यादा डाया की मोटर होने की वजह से वो हवा इतना जल्दी अंदर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, मैंने ये मोटर भी ली है। इसके लिए इस हिसाब से मैं एक पंखी इसकी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पंखी मुझे कुछ अलग ही प्रकार से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हवा का प्रेशर मुझे काफ़ी तेज़ चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक एलुमिनियम की सीट लेता हूँ और उस पर रिंग कर कर आप लोग देख सकते हैं कि मैं उसको कैंची से बकायदे गोल तरीके से काट रहा हूँ। और दोस्तों, ध्यान रखना कि पंखी का डाया ऐसे रखना है कि जो हमारे 1 इंची का टी है उसके किसी भी सतह को टच ना करे। तो दोस्तों, मैंने ये पूरा गोल सा काट लिया है और इसको थोड़ा मैं बराबर वगैरह भी कर लेता हूँ अच्छे से। अब इसमें मैं बीच में छेद करूँगा फर्स्ट, और छेद करने के बाद मैं इसके चारों तरफ कट करूँगा। तो दोस्तों, आप देखते रहिए। दोस्तों, इसको चलिए कंप्लीट मैं कैसे कर रहा हूँ। यदि आप लोग की मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों मेहनत बहुत लगती है ये सब वीडियो बनाने में, तो कुछ नहीं, एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत तो लगती है। तो चलिए ठोकी दोस्तों, हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने पंखी में बीच में छेद कर लिया। अब दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से कट कर रहा हूँ, चारों तरफ चार मैंने कट किए हैं। अब पंखी को फोल्ड कर दिया है। फोल्ड कुछ ज़्यादा क्रॉस सेक्शन पे करना, मतलब ज़्यादा फोल्ड रहे, ताकि हवा का प्रेशर अच्छे तरीके से रहे। और दोस्तों, मैंने इसको चलाया तो मैंने इसको ढिलाई से पकड़ा था, तो ये मेरे हाथ पे इंजरी कर दी ये पंखी। आप लोग देख सकते हैं, इसने कट बहुत गंदा मारा मेरे हाथ पे, मतलब बहुत ही अंदर तक गया इसका कट, क्योंकि बहुत नुकीली पंखी बनाई थी मैंने। तो दोस्तों, सेफ्टी ज़रूर रखिएगा ये सब काम करते समय। मेरे इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरे दो दो इंजरी, एक ही उंगली पे दो इंजरी हुई है। एक पहले हुई थी जो आप लोग देखे हैं, एक पहले अभी बाद में। तो दोस्तों, इसमें मैंने कुछ नहीं, एक ऑयल लगा दिया है ताकि ब्लड का वो फ्लो रुक जाए। तो दोस्तों, चलिए इसको मैं टाइट से पकड़ के इसका हवा का फ्लो दिखाता हूँ कि कितना तेज़ है। तो दोस्तों, चलिए इसका हवा का फ्लो देखते हैं। मेरे सामने एक बैटरी रखी थी, मैं बैटरी के पास ले गया तो बैटरी भी गिर गई, और साथ में जो थर्माकोल का पूरा वो पड़ा था वो भी पूरा उड़ गया। तो दोस्तों, इसमें हवा का प्रेशर तेज़ रखना, इसीलिए मैंने इस प्रकार की पंखी बनाई है, अपने से डिज़ाइन की है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग मोटर को इसमें असेंबल करते हैं। इसको असेंबल करने के लिए मैंने दो LED बल्ब ख़राब प्लेटें ली हैं, जो कि देख सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से चिपका दिया है। तो दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से चिपका के इसमें असेंबल करेंगे। और ये जो एक PCB बगल पे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये मोटर को चलाने वाली PCB है। तो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे तरीके से चिपकाया। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मजबूती में कमी मत करिएगा चिपकाने में, क्योंकि मोटर की स्पीड बहुत तेज़ रहती है, तो बाई चांस कोई उखड़े ना, ताकि मोटर बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों, मैं इसको बेहतरीन मजबूती देता हूँ ग्लूगन से, ताकि हमारा ये मोटर फिक्स रहे, ज़रा से भी हिले ना। तो दोस्तों, मैंने इसको बाकायदे मजबूती दे दी है। अब दोस्तों, हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको पूरा आप लोग को एक बार अच्छे से दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया। देख सकते हैं कॉइल मेरी कैसे फिट है, मोटर मैंने कैसे लगाया है। अब दोस्तों, मैं इसका नीचे की ओर से पूरा कनेक्शन करता हूँ। देख सकते हैं, मैंने PCB भी लगा दी है, मोटर भी लगा दिया है।
अब इसका कनेक्शन करने के बाद दोस्तों मैं एक एक थर्माकोल का स्टैंड लूँगा ताकि हम उस पर रख के इसको चला सके, क्योंकि दोस्तों नीचे का जो पोर्शन खुला है उसको बंद करना बेहद ज़रूरी, क्योंकि हवा का प्रेशर आधा नीचे से भी निकल रहा था। तो दोस्तों मैंने उसको ग्लू गन से लगा के उसके स्टैंड भी बना दिया और वो हमारा नीचे का पोर्शन भी बंद हो गया। तो दोस्तों ये हमारा अब लगभग लगभग पूरा कंप्लीट ही हो गया है। तो दोस्तों यदि हम लोग इसको हेयर ड्रायर में यूज करेंगे तो इसके लिए हमें नीचे एक्स्ट्रा हैंड में पकड़ने के लिए वो लगाना पड़ेगा, कुछ पाइप का टुकड़ा और लगा लीजिए और एक बटन लगा लीजिए, मैंने बटन तो लगा रखी है। और पीछे का जो ये कवर है इसको थोड़ा कुछ एक कागज़ या कुछ प्लास्टिक लेके पीछे के पीसीबी वगैरह कवर कर दीजिए, बस मोटर के साइड का पोर्शन हल्का खुला रखिए ताकि हवा अंदर जा सके। तो दोस्तों इसको इसी प्रकार हम लोग हेयर ड्रायर पे भी यूज कर सकते हैं यदि हेयर ड्रायर। तो दोस्तों मैंने इसको चालू कर लिया है, हमारी कॉइल देखिए हीट होना चालू हो गई, धुआं भी दे रहा है। अब इसका मैं फ़ैन चालू करता हूँ, देखिए दोस्तों इसका फ़ैन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और बढ़िया गर्म हवा भी आ रही है। दोस्तों यदि ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।